हम नामपल्ली की खुसूसन आवाम से ये वादा करते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी कारकुन को अपने दफ्तर में आराम से बैठने नहीं देंगे। ये लोग का क्या काम है? बोगस वोटिंगों के जरिए से खादत कायम करना, दफ्तरों में बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ना, लतीफे सुनाना, गुटखा पान सिगरेट पीना। अब ऐसा नहीं होएगा। अब जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन है, कायदीन है, पूरे रनिंग रेस करते हुए नजर आएंगे। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से वो हलचल में आ गए। जिस तरीके से एक मदारी जब डमरू बजाता है तो बंदर नाचना शुरू कर देता है, उसके बाद सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप नाचना शुरू कर देता, वैसे ही आज हल्के नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन और कायदीन पूरे नाचना शुरू कर डाले। अरे कभी आप सरकारी जो स्कूल है मल्लापल्ली उसका कभी दौरा करे थे आप? मेरे को बताइए, कभी उसका दौरा करे थे आप? आपने कभी रुख नहीं किया अस्पतालों का, आपने कभी रुख नहीं किया स्कूलों का, आपने कभी रुख नहीं किया बस्तियों का जहां पर हक तलफी हो रही है। आज हमारी मेहनतों की वजह से, हमारे जिद्दोजहद की वजह से आज हम सड़क पे उतर के जो आवाम का काम को अंजाम तक पहुंचा रहे, आप सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी उतर जाना, हम हर जगह जहां पर हक तलफी हो रही वहां पर जाकर बीज बोएंगे। तुम्हारा काम है आके पानी से उसको सींचना, फसल उगाना और फसल से आवाम का फायदा होना। याद रखो, फिरोज खान की जो टीम है वो अहद कर ली कि हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, पर हमारा फरीजा है कि आवाम की खिदमत करना। ये फाहिशा औरतों के जबान रखने वाले मर्दों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि तनकीद करना बंद करो, मर्दानगी का सबूत पेश करो। तुम बिरयानी की बात करते हो, अरे वही फिरोज खान है जिसने नामपल्ली के हलके में जब पानी की किल्लत थी तो हर घर को पानी पहुंचाने का नाम है फिरोज खान, और आप बिरयानी की बात करते। बिरयानी तो इंशाल्लाह पहुंच जाएगी, पर याद रखो आप तो हरकत में आ गए। हमारा मंसूबे में हम कामयाब हुए, आपको हमको हरकत में लाना था, नचाना था, आगे सड़कों पे अवाम के दरमियान में पहुंच गए। ऐसी पहुंचते रहो, हमारा काफिला जहां से गुजरेगा उसके बाद में आप लोग भी आ जाना और अवाम की खिदमत करना। वोट हो गया, बोगस वोटिंगों की क़यादत कायम करके हराम के रोटियां तोड़ते हुए खाली असेंबली में जाना, उसके बाद में दफ्तरों में आके बैठ जाना, मामले करना, दलाली करना, गरीबों पे अजियत करना, लोगों को डराना, फर्जी केसेस मासूमों पे दर्ज करना, खत्म, बंद, रनिंग रेस, पूरे अवाम की खिदमत में रनिंग रेस करते रहना। और हम अवाम से ये वादा करते हैं कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है, जहां पर भी हक तलफी हो रही, कोई परेशान हाल में है तो गुजारिश है कि वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। हमारी टीम सदा तैनात है, हम अवाम की खिदमत करना बाखूबी जानते हैं और हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अब आगे लोकसभा का इलेक्शन है, उस वक्त भी हम बस्तियों में आएंगे, उस वक्त भी हम रुख करेंगे नामपल्ली के हलके का, और इंशाल्लाह यहां का जो रुकने पार्लियामेंट होगा वो कांग्रेस जमात का होगा। तो मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारी खिदमत को समझो। फिरका पर ताकतों को निस्तो नाबूद करना है, शिकस्त देना है, फतेहयाब करना है वो जमात जो सेकुलरिज्म के बारे में बात करती है, जमहूरियत के बारे में बात करती है, डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, और वो जमात है कांग्रेस जमात। तो मैं इसी के साथ मैं सारे कांग्रेसियों को और तेलंगाना की आवाम को फिर से मुबारकबाद देता हूं कि हमारे 6 वादों को हमने अमली जमा पिना दिया है, और जो बचे हुए 1-2 है उसको भी हम बहुत जल्द पिलाएंगे, और आवाम की खिदमत के लिए हम सदा तैयार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं जिस तरह से फिर से कह रहा हूं, फाहिशा औरतों की जबान मत रखो, तनकीद मत करो, अगर से तुम्हारे पास अल्फाज है तो हमारे पास आतिशबाजी अल्फाजों की, सहे नहीं सकेंगे तुम तो, लिहाजा काम करो, बस्तियों में नजर आओ, रुख करो अस्पतालों का, रुख करो दफ्तरों का,
रुख करो वापा जहां पर हक तल्फी हो रही है, ना कि फिर बैठ के तनखीद करो। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रेवंत अन्ना। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041।